मारुति सुजुकी को हमेशा से ही बिल्ड क्वालिटी और अनसेफ कार्स के लिए ट्रोल किया जाता रहा है, और ये सही भी है क्योंकि एक सेफ या अनसेफ कार का फर्क एक्सीडेंट में जान जाने या बचाने का फर्क डिसाइड कर सकता है। वो अलग बात है कि मारुति बिना अपनी गाड़ियों को टेस्ट करवाए वैगनआर जैसी गाड़ियों में भी दिल से स्ट्रॉन्ग सेफ कार जैसे टैग लगाकर उल्टा ग्लोबल एनकैप और बायर्स को ट्रोल कर डालती है। मारुति की सभी गाड़ियां बुरी बिल्ड क्वालिटी के साथ नहीं आती हैं, पर बजट कार्स जैसे ऑल्टो, स्विफ्ट, सेलेरियो, वैगनआर और इवन इग्निस जैसी कार्स क्रैश टेस्ट में बहुत बुरा परफॉर्म कर चुकी हैं। समाओ ग्लोबल एनकैप ने भी नई बलेनो को टेस्ट नहीं किया, जिससे कुछ उम्मीदें थी। हालांकि मारुति भी अब एसयूवीज की दुनिया में कदम रख चुका है और आज की डेट में नंबर वन एसयूवी मेकर्स जैसे एड भी देखने को मिलते हैं मारुति की तरफ से, जिसमें फ्रॉन्क्स को भी एक एसयूवी के जैसे ही प्रमोट किया गया है और ये गाड़ी अच्छे सेल्स नंबर भी दिखा रही है। अकेले सितंबर 2023 में फ्रॉन्क्स की 12,000 यूनिट करीब बिकी हैं और टॉप 10 हाईएस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में ये गाड़ी शामिल हो चुकी है। फ्रॉन्क्स बलेनो की हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, पर जैसा कुछ नई बलेनो के एक्सेंट में भी देखने को मिला है कि बिल्ड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट यहाँ किया गया है। फ्रॉन्क्स की बिल्ड क्वालिटी को लेकर आज भी कई लोग सवाल करते हैं कि ये गाड़ी कितनी सेफ है। हालांकि क्रैश टेस्ट ना होने की वजह से इस सवाल का सटीक उत्तर दे पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर आप आज एक ऐसा एक्सीडेंट देखेंगे जो फ्रॉन्क्स को 6 स्टार भी साबित करता दिखाई देता है, और ये मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का पहला मेजर एक्सीडेंट है। ये पिक्चर मिस्टर तिलक राज ने हमारे ईमेल पर शेयर करी थी। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। एक्सीडेंट पुतूर कर्नाटका से रिपोर्ट किया गया, जहां मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की टक्कर एक ट्रैक्टर से हो गई। एक्सीडेंट में गलती किसकी रही इसकी जानकारी नहीं है, पर एक सिंगल लेन रोड है और फ्रॉन्क्स यहाँ रॉन्ग साइड में नजर आती है। शायद ओवरटेक करते हुए हाई स्पीड में फ्रॉन्क्स यहाँ ट्रैक्टर से टकरा गई है। पर एक्सीडेंट के रिजल्ट्स वाकई हैरान करने वाले हैं और किसी मारुति कार्स के साथ ऐसे रिजल्ट्स पहली बार देखने को मिले हैं। फ्रॉन्क्स से टक्कर होने के बाद ट्रैक्टर के यहाँ दो टुकड़े हो गए हैं, जिसमें कोई माइनर डैमेजेस नहीं बल्कि मेजर डैमेजेस देखी जा सकती हैं और ट्रैक्टर का आधा हिस्सा अलग पड़ा नजर आता है। जाहिर है कि ट्रैक्टर के ऐसे हाल देखने के बाद ये समझ आता है कि फ्रॉन्क्स पर भी काफ़ी मेजर डैमेजेस आई होंगी। हालांकि यहाँ फ्रॉन्क्स में फ्रंट से तो मेजर डैमेजेस ज़रूर देखी जा सकती हैं, पर गाड़ी के पिलर्स पूरी तरह इंटैक्ट हैं और केबिन भी यहाँ इंटैक्ट दिखाई देता है, साथ में एयरबैग्स भी यहाँ खुल गए। एज पर रिपोर्ट ट्रैक्टर में बैठे लोगों को कुछ इंजरीज आई और फ्रॉन्क्स में बैठे सभी पैसेंजर माइनर इंजरीज के साथ सेफ रहे। ये एक्सीडेंट क्लियरली एक चीज़ दिखाता है कि फ्रॉन्क्स की बिल्ड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है और ये पुरानी बलेनो से तो सेफ ज़रूर है। असल में मारुति के लॉन्च के साथ ही गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करवाना ज़रूरी था, क्योंकि पॉसिबल है फ्रॉन्क्स जैसी कार 4 या शायद 5 स्टार भी ला सकती थी। अब इंतजार भारत एनकैप का है, जहाँ होपफुली फ्रॉन्क्स का क्रैश टेस्ट भी देखने को मिलेगा। आप क्या सोचना है फ्रॉन्क्स की बिल्ड क्वालिटी को लेकर, स्पेशली इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स में बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।